इंडिया में ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी में कंफर्ट और सेफ्टी ढूंढते हैं, और आज हम आपको एक ऐसी गाड़ी के बारे में बताएंगे जो कंफर्ट और सेफ्टी के मामले में बेस्ट साबित हो रही है। फ्रेंच ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की कार्स इंडिया में अक्सर अपनी लग्जरी फीचर्स की वजह से पसंद की जाती हैं। हेलो एंड वेलकम टू ऑटोनेस्ट, मैं हूँ आपके साथ अंकित पाल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं सिट्रॉन की नंबर वन सेफ गाड़ी C5 एलक्रॉस के फेसलिफ्ट वर्जन के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कब नए फेसलिफ्ट वर्जन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और इसमें आपको क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस को इंडिया में आए तकरीबन एक साल से ऊपर हो गया है और आज भी काफी लोग इस गाड़ी के बारे में ज्यादा नहीं जानते, पर जो जानते हैं उन्हें पता है कि सेफ्टी के मामले में C5 एयरक्रॉस बेस्ट है। आपको बता दें कि सिट्रॉन ने अपनी C5 एयरक्रॉस SUV का फेसलिफ्ट वर्जन इंडिया में 7 सितंबर 2022 को लॉन्च कर दिया है। अगर प्राइस की बात की जाए तो ये कार अपने करंट मॉडल से थोड़ी सी महंगी है। सिट्रॉन C5 का प्राइस 35 लाख से 40 लाख तक हो सकता है, ये शायद उससे भी ज्यादा है। अब जब फेसलिफ्ट वर्जन निकाला है तो इसका मतलब साफ है कि गाड़ी में काफी छोटे बड़े चेंजेस किए गए होंगे। आइए आपको इन चेंजेस या कहीं मॉडिफिकेशंस के बारे में बताते हैं। एक्सटीरियर लुक ऑफ C5 एयरक्रॉस फेसलिफ्टेड वर्जन। सबसे पहले बात करें एक्सटीरियर लुक की, तो फेसलिफ्ट वर्जन में हमें नए तरीके की हेडलाइट देखने को मिलेगी, साथ ही ग्रिल डिजाइन में काफी इम्प्रूवमेंट किया गया है। सिट्रॉन कंपनी बस यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने फ्रंट बम्पर को भी रीडिजाइन किया है। आगे की अगर बात करें तो एयर टैंक्स की पोजीशन अभी आने वाली SUV कार से थोड़ी नीचे कर दी गई है। LED टेल लाइट की बात करें तो इसमें नए ग्राफिक्स के साथ नया डिजाइन भी देखने को मिल रहा है। इंटीरियर लुक ऑफ C5 एयरक्रॉस फेसलिफ्ट वर्जन। इंटीरियर लुक्स की बात करें तो डैशबोर्ड में नया लेआउट देखने को मिलेगा, साथ ही 10 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम भी लगाया गया है। अब क्योंकि इंफोटेनमेंट सिस्टम की लेंथ बढ़ा दी गई है तो AC की पोजीशन भी उसके हिसाब से चेंज की गई है। जिन्हें सिट्रॉन की गाड़ियों के बारे में पता है उन्हें ये बात भी काफी अच्छे से पता है कि C5 एयरक्रॉस की सीट्स को बेस्ट माना जाता है। SUV को और एडवांस बनाने के लिए फ्रंट रो पर वेंटिलेटेड सीट्स भी लगाई गई हैं, जो कि कार लवर्स के लिए सोने पे सुहागे जैसे होने वाली बात है। C5 SUV में हमें हाईवे ड्राइव असिस्ट सिस्टम भी मिल रहा है, क्योंकि सिट्रॉन अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। सेफ्टी के मामले में हमें लेन कीप असिस्ट फीचर्स के साथ कोलिजन वार्निंग, स्टॉप एंड गो जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। कॉम्पिटिटर्स ऑफ सिट्रॉन। अगर सिट्रॉन की कॉम्पिटिशन की बात की जाए, स्पेसिफिकेशन और प्राइस के अकॉर्डिंग जीप कंपस और हुंडई ट्यूसॉन इसके सीधे कॉम्पिटिटर्स साबित होते हैं। तीनों के कंपैरिजन में सिट्रॉन C5 का डायमेंशन सबसे ज्यादा है, साथ ही नई C5 सिट्रॉन तीनों के मुकाबले सबसे लंबी और चौड़ी है, जिसका मतलब ज्यादा कंफर्ट मिलने का सुकून। C5 में सबसे लंबा व्हील बेस भी देखने को मिलता है। अब आप सिट्रॉन C5 में मिलने वाले सारे फीचर्स के बारे में जान चुके हैं, तो आप ही बताएं क्या आप इस कार के लिए 35 से 40 लाख रुपए खर्च करेंगे। कमेंट बॉक्स को भर दीजिए अपने रिव्यू से और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।